नमस्कार साथियों, मैं संतोष सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का नौकरी। तो जैसा कि हम लोग सीटेट की क्लास ले रहे हैं डेली डे टू डे, और जो भी सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं जुलाई 2023 को टारगेट करते हुए। और पूर्व के वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें हैं ए टू जेड, विभिन्न सारे सब्जेक्ट। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के जो है इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हमने कुछ लिए हैं जिसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं और बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन है कि पक्षियों के घोंसले के बारे में कौन सा कथन सही है। जो बर्ड्स होते हैं उनके जो नेस्ट होते हैं घोंसले, उनके बारे में कौन सा कथन सही है। विभिन्न सारे जो है इसमें देख सकते हैं 8-10 पॉइंट दिए गए हैं। तो यदि आप डेप्थ जानते हैं पूरा तभी इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। देख सकते हैं कुछ हमने कॉलम लिए हैं जो कि ओवरऑल 9th, 10th, 11th, 12th, 13th 13 कॉलम है। 13 इतना दिया नहीं जाता लेकिन रहता है 1 से 5 और प्लस 4-5 और कॉलम ऐसे रहता है क्वेश्चन, या 1 से 5 ही रहता है जो भी हो। लेकिन इस प्रश्न को यदि हल कर लेते तो बहुत सारे प्रश्नों को जो है 100% आसानी से हल कर लेंगे। कह रहा है कि पक्षियों के घोंसले के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है, और जो सही है उसको आपको टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट है ऑप्शन, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर लोहे के तार टानिया से घोंसला बनाता है। सेकंड है, फागता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड में घोंसला बनाता है। थर्ड है, काल चिड़ी पत्थर के बीच में अपना घोंसला बनाती है। पौधों की नाजुक टहनी और रुई जो है उसके घोंसले में बिछी होती है। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में लाकर घोंसला बनाती हैं सील कर। और नर वीवर पक्षी जो है घोंसला बनाता है, मादा वीवर पक्षी घोंसलों को देखती है, जो अच्छा लगता है उसमें जो अंडे देती है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। 6th नंबर पॉइंट, 7 में है, बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर घोंसले में अंडे देती है। 8 नंबर है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे घोंसले में अंडे देती है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बनाती है। 9th नंबर, 10th में है कि कबूतर पुराने मकान खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। और 11th में है कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। और 12th में है कि केवल 4, 8 फर्स्ट गलत हैं। और 13 में है कि केवल 5, 10th, थर्ड और 9th सही हैं। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना डेप्थ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब तक आप पूरी घोंसले के बारे में नहीं पढ़े होंगे। सभी पक्षियों के घोंसले के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो इस प्रश्नों को जाहिर से है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और 100% इस प्रश्नों को गलत कर देंगे। लेकिन यदि डेप्थ नॉलेज है तो 100% इस को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, जो है 1 मार्क्स गेन कर लेंगे। और आजकल इस तरह डेप्थ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लग सरकारी नौकरी संतोष सर हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं और ऐसा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक बार यदि आप पढ़ लेते हैं वीडियो को, बार बार देख सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम देखते हैं पक्षियों के घोंसले के बारे में कौन सा कथन सही है। हमने विभिन्न सारे पॉइंट पढ़ा, अब उसको हम डिस्कशन करेंगे कौन सही है कौन नहीं। तो पक्षियों के बारे में जो है कौन सा कथन सही है, हमको जो है सही पॉइंट देखना है। पहला है कि कौवा पेड़ के ऊंची डाल पर लोहे के तार टहनियों से घोंसला बनाता है। बिल्कुल सही है कि कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जो है लोहे के तार और विभिन्न सारे जो टहनियाँ वगैरह होता है बिन चुन कर ले जाता है और उससे घोंसला बनाता है। एकदम सही है। फाकता कैक्टस जो है कांटों के बीच या मेहंदी के मेड में घोंसला बनाता है। जो भी कांटेदार पौधे होते हैं कैक्टस वगैरह देखते हैं उसी के मेड में ये घोंसला बनाता है फाकता कैक्टस। ठीक है,
नेक्स्ट है कि काल चीड़ी पत्थर के बीच में अपना घोंसला बनाती है, और पौधों की नाजुक टहने रुई जो है, अब जब पत्थर है ये इसी के बीच में ये बनाती है, तो जाहिर सी बात है इसमें नाजुक टहनी को जो एडजस्ट करके अपना घोंसला बनाती है, इसमें जो है रुई बिछा ही रहती है, विभिन्न सारे जो बिन चुन कर लाई रहती है, तो ये भी पॉइंट सही है। नेक्स्ट है कि दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सी कर घोंसला बनाती है। कोई भी ये पत्ता है आपको, और इन दोनों पत्तों को जो है ऐसे सील देती है, और इसी तरह ये घोंसला दर्जन चिड़िया बनाती है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि नर विवर पक्षी घोंसला बनाता है, मादा विवर पक्षी सभी घोंसलों को देखती है, जो अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। ये भी बिल्कुल सही है कि नर विवर पक्षी जो होता है वो घोंसले बनाता है, और मादा विवर पक्षी जो है उसके सभी घोंसलों को देखती है बारी बारी से, जो अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट है कि शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शक्कर खोरा जो है ऐसे लटकता हुआ बनाता है, पेड़ के जो है डाली पे लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ये भी सही है। बसंत गोरी पेड़ के तने में छेद करके जो है घोंसला में अंडे देती है, इस तरह जो है पेड़ है और इसी में वो छेद करके घोंसला बनाती है, तो ये भी सही है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल के घोंसले में अंडे देती है, बिल्कुल सही। आप देखते हैं कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, और कौवे के घोंसले में कौवा जो है उसी घोंसले में अंडा देती है, और उसके अंडे को कौवा सेता है। ठीक है, तो ये भी सही है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बनाती है, ये भी सही है। गौरैया जो है आप देखते हैं आपके घरों में, द्वारों में, आसपास में, विभिन्न जगह जो है कहीं पर भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर हो, आईने के पीछे, ये भी सही है। कबूतर पुराने मकान घंटा में अपना घोंसला बनाता है, बिल्कुल सही। आप देखते होंगे आसपास में, अभी नज़र दौड़ाएंगे कि कबूतर जो है जो भी पुराने खंडहर मकान है उसमें अपना घोंसला बनाता है, या घरों में जो है देखते होंगे कहीं कहीं लोग उसको पालते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि क्या उपरोक्त कथन सही है, तो एप्रोक्स जितने भी कथन दिए गए हैं लगभग सही हैं 100%, और इतने सारे अगर आपने जान लिया डेप्थ, तो इससे में पॉइंट जो है इधर उधर रहते रहता है, और उसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है कि क्या 4, 8 फर्स्ट गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, और केवल 5 और 9 10 थर्ड सही है, तो नहीं सब सही है, इस पॉइंट का कोई बात ही नहीं रहा। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जो पॉइंट दिए हैं वो सभी सही हैं, और तब जब सही सही हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोई इंडिविजुअल सही है, सब सही ओवरऑल, और गलत कोई नहीं है। अब इसी में अगर कोई गलत होगा तो आप उसको टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो घोंसले के बारे में ये क्वेश्चन था, और आशा करता हूँ कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन समझिए, इसमें कई सारे क्वेश्चनों का समावेशन है, इसलिए इतना हमने डेप्थ में लाया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप कई सारे प्रश्नों को हल कर सकेंगे, घोंसले से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड, इन चिड़ियों के घर से रिलेटेड। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लें, चलिए डेप्थ में, कि कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर लोहे के तार टहनियों से घोंसला बनाता है, बिल्कुल सही है। फाख्ता कैक्टस जो है कांटों के बीच मेहंदी में घोंसला बनाता है। अब देखिए कैक्टस, इसी से आप जान जाएंगे कि कैक्टस मीन्स कांटों के बीच जो है जो घोंसला बनाता है फाख्ता कैक्टस है। कौवा ऊंची डाल पर बनाता है लोहे के तार से, टहनियों से, और कालचिड़ी पत्थर के बीच में अपना घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया जो है पत्तों को सीकर दो पत्तों को घोंसला बनाती है। नर विवर पक्षी घोंसला बनाता है, मादा विवर पक्षी उसको जो है देखती है, जो अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। शक्कर खोरा किसी
छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके जो है घोंसले बनाती है और उसमें अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के अंडे में घोंसले देती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है, नहीं कौवे के। और गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। ओवरऑल सभी प्रश्न में जो पॉइंट दिए गए सभी सही हैं। और सीटेट ढुलाई को भाई संतोष सर के द्वारा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी बैक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते। और एक दो बार आप प्रश्नों को करेंगे बैक प्रीवियस ये सारे जो वीडियो को, तो आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बने रहें, जुड़े रहें इसी तरह इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को जानने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, नाइट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बी बैक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।